नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 10R 150 Watt 5G versus Realme GT Neo 2 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10R 150 Watt 5G में 6.43 इंच जबकि GT Neo 2 5G में 6.41 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो 10R 150 Watt 5G में 2.97 इंच जबकि GT Neo 2 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 10R 150 Watt 5G में 0.32 इंच जबकि GT Neo 2 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 10R 150 Watt 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 10R 150 Watt 5G में 186 ग्राम जबकि GT Neo 2 5G में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 10R 150 Watt 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 10R 150 Watt 5G में फ्लूइड AMOLED जबकि GT Neo 2 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 10R 150 Watt 5G में 20:9 जबकि GT Neo 2 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10R 150 Watt 5G में 6.7 इंचेस जबकि GT Neo 2 5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10R 150 Watt 5G में 1080x2412 और GT Neo 2 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10R 150 Watt 5G में 87.9% जबकि GT Neo 2 5G में 85.69% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10R 150 Watt 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि GT Neo 2 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10R 150 Watt 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और GT Neo 2 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 10R 150 Watt 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT Neo 2 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10R 150 Watt 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT Neo 2 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10R 150 Watt 5G में Mali G610 MC6 जबकि GT Neo 2 5G में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10R 150 Watt 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max और GT Neo 2 5G में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो 10R 150 Watt 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि GT Neo 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10R 150 Watt 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि GT Neo 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो
10R 150W 5G में Android V12 जबकि GT Neo 2 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी 10R 150W 5G में 4500 mAh जबकि GT Neo 2 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 10R 150W 5G में एक कलर्स जबकि GT Neo 2 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10R 150W 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 43,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT Neo 2 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 10R 150W 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme GT Neo 2 5G की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 10R 150W 5G आगे है, मेन कैमरा में GT Neo 2 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT Neo 2 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है, दूसरा Samsung Galaxy S21 FE 5G है, तीसरा Google Pixel 6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।